अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है पहले भैया, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो हमारे चैनल कैसे सटे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सुबह हो चुकी है, तो आपका सुबह का माहौल दिखाते हैं, तो रहना हमारे साथ साथ, वीडियो से पैक नहीं करनी, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज मज़ेदार होने वाली है वीडियो, तो हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। अब बाहर का माहौल आप ये जी देखें, सुबह सुबह का टाइम है, तो ये देखें जी खूबसूरत बना हुआ है। तो अभी सेज भी निकल जा रहा है, देखें जी। तो चाचा एम की गाड़ी भी खड़ी है, तो मेहमान जा रहे हैं, आज जा रही है, तो वो मेरा भी जा रही है, और भी हैं शिस्ता शिस्ता और भी जा रही हैं। तो फिर मुलाकात करवाते हैं आपको, तो कैसे जा रही हैं, तो वहाँ पे जाके ना आपको शेयर कर भी करते हैं। रेलगाड़ी भी जा रही है, वो देखें जी, ओ देखिए आपको नज़र नहीं आ रही, ओ देखिए जी रेलगाड़ी भी आ रही है। तो साथ खड़ा है नूर मोहम्मद भी देख रहा है। तो अब चलते हैं अंदर, तो अंदर देखते हैं क्या माहौल है। ये जी हम पहुंच गए हैं सबा के अब्बू के पास। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पी रही है? चाय पी है, चाय पी है, पी है। हाँ जी, अब चाय हो गई, नाश्ता हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। अच्छा जी, तो ये देखें जी सबक के अबू हैं, तो इसका भी चैनल है सबा फ़ायदा व्लॉग। ये चैनल पे जाएं, इसका विजिट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, ठीक हो गया। ये जी हम पहुँच गए मेरा पापा के पास। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरे पास पहुंच गया है। हाँ जी, अब मेरे लगता है घर जा रहे हैं। हाँ जी, मैं घर जा रही हूँ, मैंने प्यारी प्यारी कर लिया है, पैकिंग कर लिया है। अभी इस टाइम जो है ना हम बाहर ठहरे हैं, अहमद भाई का वेट कर रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे, वो जाएंगे हमें छोड़ने। अब यहाँ जाएं, एक रात और रहे हैं, एक रात और रहे लो। हाँ, इतनी रातें रह ली है, ये कम है। हाँ जी, इतना कम है, दो तीन दिन बल्कि चार दिन यहाँ मैं लगा के जा रही हूँ मेरे ख्याल से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है आप सबके साथ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये दिल नहीं कर रहा आपको जाने का? हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा आप? हाँ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके साथ इतना यानी कि फर्स्ट टाइम इतना यानी कि टाइम गुजार के जा रही हूँ। दिल जो है ना मेरा कल से ही बहुत ज़्यादा उदास है, कल शाम से ही। तो क्या करें, आप जाना तो है ना। हाँ जी, ये चैनल पे जाएं, इसका विजिट करें और इसको फुल सपोर्ट करनी है, तो दुआ करनी है कार्यस्थल पे पहुँच जाएँ। हाँ जी, मेरे चैनल को जो है ना आपने सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को विजिट करना है, तो मेरे व्लॉग होते हैं अच्छे अच्छे, है ना। हाँ जी, अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। तो जी आपने जो है ना मुझे फुल सपोर्ट करनी है, जिस तरह से आप नंबरदार सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी सपोर्ट करना है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, आपने जो है ना हमारी वीडियो के साथ रहना है और हमारे लिए दुआ करनी है कि हम पहले से जो है ना अपने घर पहुँच जाए। हाँ, नाश्ता कर लिया जी? हाँ, नाश्ता हो गया, अभी तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। इतना जल्दी जल्दी है? चार दिन तो लगा लिए हैं यहाँ। चार दिन? अरे तीन दिन गुजारे हैं आपने। हाँ, शो में आए थे, फिर तरसों आए थे, सही तरसों। हाँ, वो तरसों आए थे, आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है, फिर तो ये सफर में गुजारेंगे। हाँ जी, सफर में गुजारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप दिल नहीं कर रहा आपको जाने का? दिल कर तो नहीं रहा, मजबूरियाँ हैं। हाँ जी, मजबूरियाँ हैं इसके, घर पे जाना है, तो इससे बच्चे भी हैं, सारे भी हैं, तो घर कोई नहीं होता, तो कमाने के लिए कोई ये काम ही करते हैं। ये चैनल ही बनाया है इसने, तो इसको फुल सपोर्ट करनी है। सबा फादर भी लोग, तो इसको फुल सपोर्ट करनी है, फुल। तो कि हमें प्यार दें, इसको प्यार दें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, फुल सपोर्ट करनी है, ठीक हो गया। आप जाएँ, करीब जब पहुँचेंगे मुझे कॉल कर देना, इंशाल्लाह ठीक हो गया। माशाल्लाह जी, यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप चलते हैं अंदर, तो अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मकान आधा बन चुका है, तो आधा भी रहता है अभी। ये देखें जी, इतने खूबसूरत बने हुए हैं, चाचू अहमद के बन रहे हैं। ये देखें जी, ये दरवाज़ा है और ये भी दरवाज़ा है, तो ये भी दरवाज़ा है, तो
बहुत अच्छा। तो आप चलते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। तो मिस्त्री लगे हुए हैं, तो उसको बातचीत करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, दूसरा ना कमरा ये है, तो ये विंडो। तो ये देखें जी, दूसरा ना कमरा ये है। तो अब मिस्त्री अब शुरू हो रहे हैं बनाने के लिए। ये देखें खूबसूरत बने हुए हैं खूब। तो आप ज़रूर बताना है तो चाचा अहमद का घर कैसा लगा, तो आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, ये खूबसूरत। ये देखें जी वकार, वकार क्या हाल है, क्या कर रहे हो? खेल रहा हूं। हाँ। और काम नहीं है? ना। खाना खा लिया? हाँ। चाय पापा खा ली? अभी नहीं बननी क्या? नहीं। क्यों नहीं बननी? हाँ? अजय पका रहे हैं। पका रहे हैं? हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मिठाला बन रहा है। तो तैर खां, तैर खां बना रहा है। तो ये देखिए जी मसाला बन रहा है। तो मिस्त्री यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तबीयत शबीयत? ठीक है। और सुनाए? और ठीक ठाक, अभी नींद में बैठा हूँ। नहीं, अभी नींद आई है? तो लगता है एक डेढ़ बजे सोए हो। तकरीबन डेढ़ बजे सोया था। हम भी डेढ़ बजे सोए हैं, हमें अभी उठाऊँ मैं। मेरी आदत बनी है यार। मेरी आदत बनी है, वैसे पता लगा तो मेरा पप्पा जा रही हैं, तो इसलिए चली चली उखे रही नींद। हाँ जी, फिर हम 10-11 बजे उठते हैं, तो हम अभी 6 बजे उठे हैं हम। हाँ जी, कमाल है। छोड़ने जा रहे हैं उनको? हाँ, छोड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं छोड़ने जा रहा, चाचू अहमद जी जा रहा है उसको छोड़ने। तो उसकी याद आ रही है, मेरा उसकी बेटी है ना, उसकी याद आ रही है उसको। तो जा रही है। माशाल्लाह जी, अम्मी तैयारी कर ली है, लगता है इवें है। तो आप जा रही हैं क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे जगह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक। आपकी लगती है तैयारी है जी? हमारी रात की तैयारी है। हाँ जी। और रमजान भाई से मिलकर, सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो बस तैयारी शारी चल रही है, अभी एक मेहमान जा रहे हैं, हम मेहमान हो बचेंगे, फिर हम भी रात पे चले जाएंगे। आप, हमारा दिल नहीं कर रहा आपके? दिल तो हमारा भी नहीं करना जाने का, लेकिन घर वालों ने आकर घर जाना ही होता है, इसलिए बस तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर जरूर आएंगे दोबारा नेक्स्ट टाइम भी। हाँ जी। तो इस, आप चैनल भी बता दें अपने चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है जैस्मिन डॉल। हाँ जी। आप तो मुझे बहुत सारी सपोर्ट करनी है। हाँ जी। तो इस चैनल पे जाएं, इसका विजिट करें और फुल सपोर्ट करनी है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आप तैयारी करें, तो फिर शाम को जाना है जी। शाम को जाएंगे, और इससे पहले हम आपके घर पर भी आएंगे इंशाल्लाह। आए मोस्ट वेलकम। लेकिन जी चाचू अहमदीन, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आप जा रहे हैं मेहमानों को छोड़ने? मेहमानों के साथ जा रहे हैं। मेहमानों के साथ जा रहे हैं उसको छोड़ने। तो बस पे जाएंगे, तो उसको छोड़ के आएंगे। कुछ आए आज जाएंगे, कुछ 9 बजे जाएंगे, ऐसे ना? कुछ जो है अभी जा रहे हैं और कुछ जो है रात 9 बजे। हाँ जी। तो आप गाड़ी साफ हो रही है? बिल्कुल वीराना सा हो गया है ना अहमद? मैंने कहा हमारा घर बिल्कुल वीराना सा हो गया है ना? हमारा घर ऐसे है। आपके घर माशाल्लाह से कितने फैमिली हैं? वो तो चाचू असलम है, वो अपना मकान बना रहे हैं, हम अकेले हो गए। अच्छा। हाँ जी, इसलिए आपका दिल नहीं करता रखे मेहमानों के लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, आप ही साथ हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, माशाल्लाह जी, चाचू गाड़ी स्टार्ट कर ली है, तो अब जा रही हैं। मेरा सिस्टर, मेरा पप्पो, सिस्टर नहीं, मेरा पप्पो है, तो ये भी जाएंगी। तो फिर ऐसा आपको शेयर करेंगे। लेकिन जी तो साथ खड़ा है चाचू अक्रम। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तबीयत शबीयत ठीक है? आप लोग बना लिया? नहीं, बैटरी नहीं, वो बैल चार्ज पे लगाया। बैल चार्ज पे लगाया हुआ है।
ये देखें जी मेरा पापा जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है, तो अब चाचू अहमद छोड़ने के आए हुए हैं, जा रहे हैं, अभी पहुंचेंगे, फिर तो हम बस में जाएंगे, फिर मेरे के ऐसे ना जा रही हैं। आपका घर पहुंच के मुझे कॉल कर देना है, ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी मेरा पापा जा रहे हैं, प्रार्थना करिए तो पहुँचे हैं, और लेकिन जा रहे हैं, वो देखें जी जा रहे हैं। ये जी नॉर्मल नॉर्मल क्या हाल है, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, किसके साथ किसके साथ? वकार के साथ। ये वकार भी है। वाजन आज क्या हाल है, क्या कर रही हो, खेल रही हो? अच्छा, खाना खाना खा लिया? नहीं, चाय पापा खा ली। अच्छा जी, और आपने खाना खा लिया था? नहीं। चाय पापा खा लिया? अच्छा जी, ये सारे बच्चे ये भी देख रहे थे, तो मेरा पापा चले गए हैं, तो अब पहुँचेंगे, दुआ करना कैसे तो पहुँचे, एक मेहमान है वो चले जाएंगे शाम को। ये जी अब दही ले आए हूँ, टैपो के पास चलते हैं, टैपो को देते हैं दवाई, तो ये ले जी अबू जी दवाई। हाँ जी, अबू जी आपको बाहर एक बंदा बुला रहा है। कौन सा बंदा, कैसा दिखता है? पता नहीं, बड़ा बंदा है, दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी है, मूछ वाला है, कौन का? मूछे वाला और दाढ़ी वाला। अच्छा, जाकर उसे पूछ के आना। चाचू अबू, अबू रोटी खा रहे हैं, बाहर बंदा बुला रहा है, वो जाएं, क्या कहते हैं? आपके अबू को बुला रहा है? हाँ, चलें देखता हूँ। तो चलते हैं और मुखलिस भाई को बताते हैं कि कौन है। ये रहे जी मुखलिस साहब। भाई वो बंदा आया है, पैसे किसी के देने हैं? वो बोलता है यार पैसों की ज़रूरत है, मुखलिस को बोलो पैसे दे, आप तो वापस कर दे। पैसे यार उसे लिए थे इसी साल जनवरी में लिए थे, और बाकी छठे महीने में दे रहे थे। छः माह बाद के? एक माह बाद नहीं, फर्स्ट महीने लिए थे, आप छठा है ना? अच्छा अच्छा, हाँ सही, छठे जनवरी में देंगे, और मेरा भी हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं, दवाई के पैसे भी नहीं हैं, तो खाना खा लें आप, उससे खुद ही डील कर लें। ये जी अम्मी बना रही रोटी, तो ये देखिए मेरे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार भी चढ़ा हुआ है, और ब्लड प्रेशर जो है मेरा लो हो चुका है। तो अब जो है 10 बज रहे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना, सुबह का खाना जो है हमने नहीं बना सके, तो थोड़ी तबीयत फ्रेश हुई है, मैं अभी आई हूँ खाना बनाने के लिए। और ये जो है कड़ी पकौड़ा, ये अहमद वालों ने भेजा है हमारे यहाँ, तो सालन जो है बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास, तो मैं जो है बेटी से बोला आटा गूँध लें, तो फिर इस सालन से ना आप लोग नाश्ता कर लेना, आप लोग मेरे लिए दुआ करनी है, मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो मैं अपने घर के काम कर सकूं। ये जी रोटी आ चुकी है, तो ये है कड़ी पकौड़ा, तो ये है रोटी, ये है पानी, तो किसी ने खाना है तो हमारा सब खा सकता है। ये जी हम पहुँच गए मेरा पापा के पास,
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरे पास पहुँच गया है। हाँ जी, अब मेरे लगता है घर जा रहे हैं। हाँ जी, मैं माशाल्लाह जी मेरा पापा जा रहे हैं, प्रार्थना करिए तो पहुँचे हैं। और देखें जा रहे हैं, वो देखें जी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक, अल्लाह का करम शुक्र अल्लाह पाक का एहसान है। तो देखने वाले बहन भाइयों, मेरा पैगाम है, एक यूट्यूब चैनल पे आती हैं एक जो औरत हैं, ठीक है जी, मैं उसको सिस्टर बुलाना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि इस किस्म की औरत है जिसको मैं समझता हूँ कि उसको सिस्टर बुलाना भी मेरे लिए जो है वो गलत है, ठीक है जी। तो वो आके बैठ जाती है जनाब, कभी किसी के थंबनेल लगा देती है, कभी थंबनेल पे किसी की तस्वीर लगा देती है, कभी किसी की लगा देती है, उसके बाद कुर्सी पे ऐसे अकड़ के बैठ जाती है और यूं फलां है, यूं फलां है, यूं फलां है, यूं फलां है, ऐसा ओ वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, वो फिर किसी बहन का जो है नाम लेती है, उसको फिर ये कहती है कि वो जो खुसरा टाइप जो ताली होती है इस तरह लगाने लग जाती है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ भाई, आपको ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? आपका चैनल है, अपने व्लॉग बनाएं, आप अपना काम करें, किसी को तनकीद या किसी के बारे में थंबनेल लगा देना, उसके बारे में गलत गलत जो है वहाँ पे बयान देने, मतलब उनको गालियाँ निकालनी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बराए मेहरबानी आप सिस्टर बनने की कोशिश करें, आप ये सिस्टर होने वाली जो बात है सिस्टर ना बने, ठीक है? आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि हमें औरतों का एहतराम होता है, इसलिए मैं एहतरामन ज़्यादा बात नहीं कर रहा, एहतरामन ही कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ बहुत ही एहतराम के साथ। तो ये मेहरबानी करके अपना ना ये स्टाइल भी चेंज करें, और ये आपका जो कंटेंट है इसको भी चेंज कर दें, ऐसा ना हो कि कल को जो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो फिर आप किसी को कुछ कह नहीं पाएंगी, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ होंगे। क्योंकि किसी का थंबनेल तस्वीर, किसी का थंबनेल इस्तेमाल करना और उसको गाली निकालना और उसको जो है ऐसा वैसा बुरा भला कहना, ये तुम्हारे ऊपर जुर्म बनता है। तुम्हें पता भी नहीं है ये कौन सा जुर्म और इसकी सज़ा कितनी है, ठीक है ना? तो औरों के थंबनेल लगाना भी छोड़ दो और औरों को गालियां देना भी छोड़ दो, और साथ में कहती हो मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, साथ में कहती मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चैनल बंद करके चले जाएं, किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं ऐसी हूँ, मैं फलाँ हूँ, मैं डी हूँ, जैसे ये गवर्नर की बेटी हो, बात ऐसे करती है जैसे हुकूमत पाकिस्तान में ये विफा की वज़ीर लगी हुई हो, बल्कि वज़ीर आज़म लगी हुई हो ये। तो उसको मैं वार्न कर रहा हूँ कि जो आप कर रही हैं ना, थोड़ा सा पीछे हट जाएं इससे, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपके चैनल पे मैंने देखा किसी और का थंबनेल और किसी और के बारे में, मैं नहीं किसी के बारे में मैं अगर कहोगी, तो फिर देखोगे कि तुम्हारा नतीजा क्या होगा, ठीक है जी। तो मेरा उसको खामोश पैगाम है, उसका नाम नहीं लिया मैंने, बस थोड़े इशारे दे दिए हैं, तो समझने वाले भी समझ जाएंगे। अगर वो देखती है, वो देख रही है अगर वीडियो, तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बात है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।